राजीव रंजन, अब मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे मामले को आप सुन रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का क्या व्यू आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये भी देख रहे हैं, और पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। और आपका भी यही व्यू है, आपका भी ये रिजर्वेशन है कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इसके पहले भी जो कुछ हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आगे इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए सर, और इस तरह से कोई एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पर हम पहुंच सके, किसी ऐसे इस पूरे मामले के हम अंतिम छोर तक पहुंच सके ताकि चीजें आगे बढ़े। चीजें इस तरह से रुक जाएंगी तो जिस तरह से यहां पर आरके मल्होत्रा कह रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आगे ऐसे इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? राजीव रंजन, देखिए गौरव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका इरादा क्या है। बुनियादी तौर पर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के हक में कोई बात करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप काम करेंगे। अगर आप केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के चेहरे पर उनके चेहरे को दागदार बनाना चाहते हैं तो वो तरीका दूसरा होगा। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने कई बार सुना कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, आप कई सरकारों में रहे हैं, दो पूर्णकालिक सरकारें आपकी बनी, एक अल्पकालिक सरकार आपकी बनी और दूसरे गठबंधन की सरकार में आप साझेदार रहे हैं जनता पार्टी के साथ। नहीं, लेकिन सर मैं एक छोटा सवाल जोड़ दूं विद योर परमिशन सर। नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं परमिशन सर, मैं आपसे छोटा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज ले रहा हूं विद योर परमिशन सर। गौरव जी, तब तो इसे बेहतर है आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए सर, आप आखिर में भी आप एक मिनट नहीं सुनने के लिए तैयार है। राजीव रंजन आपका ही टाइम है, मैं वही कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, पहले आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, फिर आपका ही टाइम है और आपको भरपूर टाइम देंगे सर। इटली की कोर्ट में कांग्रेस नेताओं के नाम है, तो क्या इटली की कोर्ट पर भी भारत की सरकार का इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या सर? मेरा ये सवाल है, उसके बाद आप अपने जवाब को आप कैरी ऑन करिए, कैरी कीजिए जी। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम देश में जो मोदी सरकार है उसके लिए शर्मनाक स्थिति है कि दो वर्ष आपको मिले हैं, इन दो वर्षों में आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है। देश के बाहर किसी एक अदालत के फैसले पर इस देश में आप बातचीत कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त अवसर था, आपके पास ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है और निश्चित तौर पर ये दो ऐसी एजेंसी थी जिसके जरिए आप कुछ पुख्ता साक्ष्य जुटा सकते थे। मोडालिटीज को लेकर के मेरा ये मानना है कि जो कुछ आपके फायदे में होता है उस समय आप चुप होते हैं, जहां आपकी सरकार के साख का सवाल होता है। गुजरात में एक महिला के स्नूपिंग का मामला आया, आज तक उस पर कुछ भी निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंच पाई। जिस तरह से ललित मोदी को संरक्षण देने के सवाल पर वसुंधरा राजे का मामला आया, जिस तरह से सुषमा स्वराज का मामला आया, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर खामोश है। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे के मंत्रालय में एक बड़े खरीद में भ्रष्टाचार का मामला आया। जो पीडीएस का मॉडल माना जाता था छत्तीसगढ़, वहां पीडीएस के को लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया, चावल का घोटाला सामने आया। इन तमाम विषय से भटक रहे हैं, सब मामले जिस दिन उठेंगे बहस की जाए, आपके राज्यों में भ्रष्टाचार के जवाब दे है। हमारा ये कहना इस मामले में तो पूरी तरह जवाब दे है। तनेजा जी, आपकी सरकार है और दो वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, तो ये शर्म की स्थिति आपके लिए है। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी का सवाल है तो निश्चित तौर पर आपको राजीव रंजन जी, आप किस पे बहस करना चाहते हैं, इस पे बहस करना चाहते हैं? ऐसे मोडालिटीज जरूर वर्कआउट कर सकते थे। ये आपका व्यक्तिगत विचार है, ये आप राजीव रंजन जी आपका व्यक्तिगत विचार है। चले ठीक है, शो खत्म होने का टाइम आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक फाइनल कमेंट लेके जाते हैं नरेंद्र आपसे। ठीक है, राजीव रंजन आपके सवाल का जवाब दे, राजीव रंजन जी आप भाषण दे रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे, आप भाषण दे रहे हैं। आप भाषण मत दीजिए, आपको लग रहा है कि आप आपके आप भाषण ही दे रहे हैं साहब, दर्शक जानते हैं, दर्शक दे या भाषण दे रहे हैं, ये टेलीविजन डिबेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये टेलीविजन की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, आप भाषण दे रहे हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्वीपिंग। अब वो आपकी राय हो सकती है, आपकी राय, आपकी राय हो सकती है। ठीक है, आप जो मुद्दा उस पर बहस करिए, मेरा एक सीधा सवाल है, आरोप लग गया आपने दो साल जांच नहीं की, लेकिन अब आगे तीन साल तो हैं आपके पास, कितनी तेजी से कार्रवाई होगी, दोषियों को कितनी जल्दी सजा दी जाएगी और देश के सामने कितनी जल्दी से सारी चीजें क्लियर होंगी, इस नेशनल टेलीविजन डिबेट पर आप बता दीजिए आज देश को जल्दी से, आप क्योंकि आप पे बड़े आरोप है, जल्दी। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो देखिए, जब एक इटली के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसके कारण लोग वहां जेल में हैं, जिन्होंने रिश्वत दी वो जेल में हैं, और जिन्होंने रिश्वत ली
अब उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पूरे न्याय के साथ संविधान के अंतर्गत पूरी ईमानदारी से पूरे देश के 126 करोड़ लोगों के सामने न्याय किया जाएगा, किसी के साथ गलत बात का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर जिसने रिश्वत ली है, लोगों को बताया जाएगा कि कौन दोषी है और किसने घूस ली और किसने इस पूरे मामले को डील किया। इसी नोट पर इस पूरी डिबेट को यहाँ पर हम समेटते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी यही चाहते हैं, पूरा देश यही चाहता है, कोई हो, किसी पार्टी का लीडर हो, किसी पार्टी का सुप्रीमो हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और इस पूरे मामले में देश के साथ चीटिंग हुई है। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, बिग स्टोरी, बिग डिबेट।